हे फेलोज, वेलकम बैक टू गॉड ऑफ वॉर। अगर तुमने लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो जाके देखो। वो एक बहुत ही फन एपिसोड है, उसमें बहुत सारी रेज है और वो वन ऑफ द फनीएस्ट एपिसोड है मेरा गॉड ऑफ वॉर रग्नारॉक का, तो उसे जाके देखो। एंड आज हम लोग नीफिलहाइम को एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा एक लास्ट बर्जर्कर रहता है एंड उसके बाद हम इसका जो मेन आइटम है किंग बर्जर्कर उससे लड़ेंगे। पर बर्जर्कर तक पहुंचने से पहले नीफिलहाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पे एसगार्ड के बंदे भी हैं और ये प्रिजन वो टियर वगैरह भी हैं यहाँ पे, तो उससे मिलते हैं भाई। Hang on a minute. Is this a prison? It would seem so. Let's continue. Might be something useful inside. Useful? तू लूट पे कब से भरोसा करने लगी फ्रेया? हैं, लूट का दीवाना तो मैं हूँ, ये बात क्रेटोस को बोलनी चाहिए थी। इम्पोर्टेंट तो हमें टियर मिलेगा, उसकी फीलिंग समझेंगे हम। वो बेवकूफ आया क्यों नहीं था वॉर में? ये जो काटता है कितना सेटिस्फाइंग लगता है। अबे एक मिनट, अब स्टाइल मार सकते हैं हम इनके। अबे मर ही गया वो, अभी मैं स्टाइल मारने वाला था। If the Einherjar survived Ragnarok, perhaps some of the inmates did as well. Let us find out. Yes, inmates, huh? मेरे को तो खैर पता है यहाँ पे टियर है, लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए कितना लाइक शॉकिंग होगा। अबे तू यहाँ मर रहा है, वॉर में क्यों नहीं आया हराम को? अरे बंद होगा ना वो। अबे तो वो यार वो जायंट है, काहे बात का जायंट है भाई, बचा ले अपने। अबे कैसे ये वहीं से जाना है क्या? मेरे को चेस्ट चाहिए थी पहले। यशा, अबे तुम प्रिज्म में कर क्या रहे हो वैसे यहाँ पे? इनकमिंग लेफ्ट साइड, यही तो करना था मुझे। इनके अगेंस्ट कर सकते हैं हम ये फ्लेक्सिंग, क्योंकि ये स्टैगर होते हैं ना, बड़े एनिमी स्टैगर नहीं होते। ओ इधर प्रिजन वो है इनमेट। हेलो, रिकॉग्नाइज हिम अमीर? आई डू नॉट सैडली। ऑफ कोर्स द इनहरियार डिसअपीयर्ड अ फेयर फ्यू ड्वर्वन रेबल्स ड्यूरिंग द ऑक्यूपेशन। आई सस्पेक्ट दिस इज वन ऑफ देम। ये आवाज कहां से आ रही है? मुझे लगा उसी सेल में कोई है। व्हाट्स द चेन डू आई वंडर? कौन सी चेन? छेड़ के देख ले यार फ्रेया, खुद भी कुछ कर ले अगर मेरे से करवाएगी। ओहो, तो ये बिल्कुल ऊपर ले जा, नहीं एक नीचे। गॉट इट, ये ऐसे डीप जाने के लिए है। ये मैं आया ओ उधर से। आजा फ्रेया ड्रमी, अपने आप आ जाया अगर, यार बोलना पड़ता है। हाँ जी कहाँ? ओ नहीं, मैं उसकी आग में ही कूद गया। इतना अच्छा लगता है भाई। हाँ बस चिल्लाने से नहीं जीती जाती वॉर, लड़ना पड़ता है मैडम। तेरे को तो ऐसे ही मार दूंगा मैं भगते भगते ही। कौन कहाँ क्या हो रहा है? अच्छा इधर। ओ ये तो वो है भाई साहब, ये बड़ा बढ़िया लगता है फाइट में, ये वॉरियर सही लगते हैं मेरे को। बस हो गया, आओ आओ मरा 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 फ्रेया, रुकता भी नहीं है वो, बढ़िया है ये वॉरियर्स। आओ आओ, नहीं एक्चुअली तू सॉर्ड स्किल्स में जीत सकता है, लेकिन जब मैं रेज कर दूं तो क्या ही करेगा बाबले। बस इजी, रेज चालू करने की देर थी, हिल गया वो कि यार इससे ना लड़ पाऊं मैं। बढ़िया, क्या छुपा बैठा था क्या? एम्बुश करने वाले लोग हैं, पर मजा बड़ा आता है ये वॉरियर टाइप लोगों से फाइट करने में। अबे कोई जिंदा भी है? सब मर गए। That's an elf, but not a particularly high-ranking one. So what did Odin have to gain by imprisoning them? I'd say information, but why keep them locked up afterward? Why not just kill them? Oh, hello! ये लड़ेगा। मूड तो कर रहा है इसका, मेरे को लग रहा है। क्यों छुड़ाया तेरे को मैंने? लड़ने के लिए ड्रामे? ये ले पहले फ्लेक्सिंग। ओ नहीं, तोड़ना ही था। Nasty hit. अरे भाई कहां है कि नेस्ट? आ मरा मरा फ्रेया फ्रेया फ्रेया। यहाँ पे ये भी है, क्यों चेस्ट है यहाँ कोई?
अबे चेस्ट ले रहा था मैं, एक मिनट इसे तोड़ देते हैं। सील्स हैं यहाँ पे। अरे एक सेकंड यार, फिर तो ऊपर भी होगा क्योंकि मैंने एक ही खोला था वो सेल, ऊपर भी एक और सेल होगा। क्या हम जा सकते हैं? यस। नहीं सैडली एक ही सेल है यहाँ पे। अरे वहां पे है चेस्ट, तो वहां पे जाने के लिए मेरे को इनको घुमाना पड़ेगा, लेकिन आई थिंक वो नीचे जाके कर सकता हूँ मैं। आहा, इस चेस्ट पे आ गए हम अब। हाँ वो दूसरा वाला ऑन कर दिया ना मैंने। पजल्स कितनी वो बना रखी है इन्होंने। लकी चार्म, ओके। आहा, और अब इधर भी जा सकते हम। अबे अबे खोल। हेलो कोई है यहाँ? नथिंग। ओ इधर, हम तो यहाँ से आए थे नहीं। Can't help thinking we missed something. We should come back later. नहीं नहीं अभी चलते हैं। टेंशन क्यों ले रही है फिर यार? तू मुझे पता है हमने क्या मिस कर दिया, इसीलिए बोलने लग रही है। ये डायलॉग्स अच्छे बना रखे हैं कि भाई तू कुछ भूल रहा है, जाके देख ले। टियर हमारा बेचारा रो रहा है वहाँ। ओह यहाँ पे भी कुछ है। Why that's the dwarven sound device Sindri used during the Battle of Ragnarok. We might still find use for it yet. ओके बढ़िया, रेलिक मिल गया। Somehow it survived Ragnarok. Creates a shockwave that deals high stun to surrounding enemies. Stun damage है यार, इसे भी यूज करते हैं, बढ़िया है ये। Why not? तो बेसिकली ना एक को यूज करो एंड उसके बाद दूसरे वाले को यूज करो, ऐसे है। फ्लोर वाइज बिठा रखा है इन्होंने सिस्टम। अभी इस वाले को यूज करेंगे तो दूसरा वाला हिलेगा। इस एक एक करके ऐसे नीचे जाएंगे हम। समझ गए समझ गए। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ये नहीं करना। अबे रुको, वो पीछे से आ गया। पहले ये लो यार। कैसे? अबे सील भी टूट गई, उसने मेरे को बीच में कैसे मारा? वो अभी उड़ रहे हैं और उन्हें लग रहा था मेरा अटैक। बस ठीक है तुझे लगा, अब गर जा कल। नहीं, रेज में मैं मारता हूँ सिर्फ, ये रूल है गेम का। रेज में तुम लोग मेरे को डैमेज नहीं कर सकते। चलो भाई खुश, दो लोगों पे भी रेज यूज करनी पड़ गई। अबे कोई जिंदा है? आहा ये आ गया। अबे भाई देखो पीछे से मार रहा है। आराम को, नहीं तुझे लगा अब तेरे पे फ्लेक्स करूंगा। और नहीं इन पे फ्लेक्स नहीं कर सकते भाई ना, मैं भूल गया था। तू स्टन डैमेज ले तेरी। भाई स्टॉप सन देखो, बढ़िया ये तो बढ़िया गया। सन डैमेज तो अच्छा था भाई, बढ़िया खत्म कर दिया बेचारे को। बड़ी सेटिस्फाइंग लगती है जब ये शील्ड एकदम परफेक्टली वो हो जाती है ना, बड़ा सही लगता है। स्टन डैमेज तो बहुत अच्छा है इसमें। ओहो मजा आएगा, मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूँ, नो प्रॉब्लम। मेरे पास ये भी है। अबे नहीं खत्म हो गया उसका बार, और ले आ भाई बहुत ही बढ़िया। पहले इधर सर, भाई डैमेज ले रहा है वो लिटरली। ये क्या था? अबे फंस गया मैं, रुको ना स्पीयर निकाल। ओके तो वो मार ही देगा, अभी उसका आर्मर वैसा है। मैंने वो दूसरे वाला लगा रखा ना, तो मेरे को मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया वो ये नीचे ऐसे मारेगा। मैं बदलता रहता हूँ भाई अपने अटैक्स, मेरे को पता ही नहीं था क्या होने वाला है। लेकिन अभी वी आर रेडी। कैसे चिल्ला कैसे रहा है तू? वेट कर रहा था कोई तेरे लिए दरवाजा खोले और तू उससे लड़े? बिल्कुल तमीज नहीं है। इजी है इसे मारना, बहुत स्लो है। बस हो गया, एक और बार। शील्ड भी नहीं है। ओ माय गॉड द डैमेज। नहीं अब ये ले, ये भी ले, तू करंट भी ले, डिजर्व करता है यार। ये तो मेरे लिए बड़ा बेकार है फिर, क्योंकि वो तो टैंक बंदा है। स्टन तेरी। ओ नहीं कंप्लीटेड स्पेल, ये क्या बात हुई? क्या कौन सा स्पेल क्या कर रही है? ओ भाई साहब क्या ही कर रहा है वो। मुझे लगा मेरे ब्लेड्स ऑफ केओस उसको उस स्पेल से हटा देंगे,
वो लगा ही पड़ा है अपने, वो भाई टैंक बंद है, इतने सारे अटैक झेल गया मेरे, और मैं वो वाला नहीं कर सकता जहाँ पे मेरे को स्टिल रहना पड़ता है, ये स्टैगर ही नहीं होता वो, क्योंकि अबे रुक जा बेटा, तेरे को मजाक लग रहा है अभी, देख पीटता हूँ मैं तेरे को। सन वाला पर इसके अगेंस्ट कुछ खास बढ़िया है नहीं, बस तेरे को लगा अब तो मिस कर दिया मैंने ऑब्वियसली, हिलता भी नहीं है वो, वो सन हो रहा है पर लेट्स गो, बस हो गया अब ये। नहीं भाई ना, मैं इसमें अटक जाता हूँ भाई, ये इसमें भी मारेगा मेरे को ऑब्वियसली, वो अच्छा खासा अपने वो मजे से डैमेज कर रहा मुझे। ओ डर लग रहा है तेरे को, वो है तेरी, ओ नहीं वो बचा रहा था मैं आपको, बढ़िया बढ़िया पीछे बढ़िया, ये भी ले अब तू, तेरी कुछ हुआ ही नहीं उसे, कैसा बंदा ये, ओ माय गॉड बच गया, अब ये आएगा ना मजा बिड़ू, बड़ा सैटिस्फाइंग लगा है भाई, दिल को खुशी मिल जा बिल्कुल ही, काटता है जब ये ऐसे बड़े बंदों को, मजा आ गया। इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए था कि तीन ट्राई लग गए, आराम से मार देते इसे। ओ एक और बंदा है यहाँ पे, नहीं डेड, टियर रामकोर को बिल्कुल जमीन में गाड़ा हुआ है। बिल्कुल नीचे बंद करा हुआ है उसे। ओ फ्लावर है ये, हाँ पिक कर भाई। I don't know, a gardener perhaps? Dream shade is difficult to keep alive even under the best conditions, but this. Oh. He gave all his strength to keep it alive. Gardener ने इम्प्रेस कर दिया भाई, फ्रेया को इम्प्रेस कर दिया गार्डनर ने। इसका मशीन कहाँ पे है? अबे ये तो बिल्कुल बॉटम आ गए हम। I know it. अबे वो तो ठीक है। We should find a way to the cell on the other side. Ah, Freya. I mean, I am trying. इसे और नीचे तो ले जा नहीं सकते, पर अब ऊपर जाएं। मेरे को इसे ना बदलना पड़ेगा। Like उसे और नीचे लाना पड़ेगा। एक सेकेंड। अबे तो और ऊपर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को ऊपर जाके और नीचे करना है इसे, क्योंकि दूसरे साइड वाला भी तो नीचे जा सकता है। एक सेकेंड अभी पता चलेगा। अब हम उधर से इधर जा सकते हैं नीचे एंड देन पलट के। दिमाग तो मैं बहुत लगा रहा हूँ पर मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। एक सेकेंड रुको बस, यहाँ से अब वो कहाँ गया? हाँ वो रहना। अबे नहीं वहाँ तो हम, मैं अभी भी कंफ्यूज ही, रुको। ये तो वही जगह आ गई। ओ नहीं डिफरेंट सेल आ गया, पहुंच तो गए। टियर मेरे बाबू क्या चाल। I can't believe it. Wait, that can't be. Lord Tyr. Is this an illusion? No, brother. No, I think it's the real deal. Mimir? Is that you, old friend? ये ऐसे क्यों खड़ा हो गया? Wait, I. There was such a commotion. तेरी वजह से। Odin learns what you've done. Odin is dead. The realms are at last free of him. You're safe. Odin's dead. And Asgard fallen. So the reign of the Aesir is truly over. That's quite a lot to take in. And you are? His name is Kratos. Kratos? I know that name. Come. You need real shelter. फ्रेया चालू होगी तू कम जहां मर्जी चालू हो जा सिडक्शन के साथ। तो I need space if you would grant me that. Very well. अरे इसे कितना स्पेस चाहिए? Between realms for the moment. नासा से छीन ले। You can find us there when you're ready. Kratos. I know you from somewhere. अबे गॉड ऑफ वॉर हूं मैं और तेरे से बहुत बढ़िया। Until then. तेरे से बहुत बढ़िया गॉड। अबे तू गॉड ऑफ वॉर है ये छोटे से डब्बे में क्या कर रहा है तू? क्रेटोस को रोक के दिखाओ, वो बैंस की सारे लोहे तोड़ देगा। और इसे देखो, ये देखो, अरे तू यार इसे कमरे में ही बंद रहने दो, इसे बंद करो यार, तू डिजर्व करता प्रिजन में रहना हरामखोर। बस की कुछ है नहीं, तेरे ये बोझ बनेगा अब। कहे का गॉड ऑफ वॉर, तेरे पिछवाड़े को काट दू दो में। दिमाग खराब, बहुत गुस्सा दिला हुआ टीयर जैसा बंदा मेरे को। गो चुडू, ओए ये देख बैठ गया। अबे हाँ भोजन चाहिए है, लंगर चल रहा है यहाँ पे, लेके आए और भाई बनवाओ इसके लिए आलू पूड़ी। देखो इसे ड्रामे को स्पेस चाहिए, इसे चलना नहीं है इसे मेरे साथ, क्या सीन है? हम दूसरी साइड जाने, कहाँ जाना है हमें? अबे हाँ तेरे पास यहाँ कुछ है भाई, वो चेस्ट तो खुल गई खैर। आई थिंक तीसरी सील मिल गई थी मेरे को,
पर भाई ये उसमें तो शैटर्ड रून वगैरह मिलेंगी आई थिंक. अब वो वहीं बैठा हुआ है भाई, वो नहीं आ रहा. You believe that was truly him. It's hard to trust anything after what we've been through. But with Odin gone, I have no cause to doubt it. हाँ ये बात तो है. Of that I'm sure. अब तो सारे इसको ऊपर ले जाते हैं एक्चुअली ना. Where to now? I mean ऊपर जाना है फ्रेया हमें. अब बस चेस्ट रह गई तो वो वहीं बैठा रहेगा. मैंने सुना था यार वो इधर उधर कहीं देख के लाइक नेचर को निहार रहा होता है. वो सीन भी देखना है. इसको आई थिंक ऊपर करना पड़ेगा. अभी मैं इसको ऊपर कर सकता हूँ. अबे भाई कितना ही दिमाग लगाना पड़ रहा है. ये बनाते वक्त क्या ही सोचते होंगे. ये थोड़ी सी भी गलती हो गई तो बंदा लूप में फंसा रह जाएगा. हाँ आई थिंक अब मैं वो चेस्ट पे जा सकता हूँ. बट मुझे नहीं यार चेस्ट तो वहाँ है. व्हाट द फक. तो मैं उस साइड कैसे जाऊँ. ये दोनों गेट तो बंद पड़े हैं क्योंकि. अबे ये उठाया क्यों नहीं. Why that's the dwarven sound device Sindri used during the Battle of Ragnarok. अबे है मेरे पास ऑलरेडी. Find use for it yet. क्या दोबारा रिसेट हो गया था ये. गेम भी बग करती रहती है बीच बीच में. ये जो चीज है ना ये उखड़ सकती है पर कहाँ से. जगह तो कहीं है ही नहीं. उधर जाने के लिए मेरे को इन्हें घुमाना पड़ेगा. ये घूमेंगे कैसे भाई. घुमाऊं भी ना ये गेट तो खोलने ही पड़ेंगे. मुझे लग ही रहा था. मुझे फीलिंग आ रही थी कि वो जो जहां से वो बंदा आया था ना वहीं से एंट्री होगी कहीं ना कहीं. मुझे लग रहा था. अचानक से फीलिंग आई कि वो ही बंदा था जो ऐसे एम्बुश करा था जिसने. वहीं पे कोई ना कोई डोर या छोटा मोटा रास्ता होगा. मिल ही गया. भाई लाओ यार चेस्ट दो तुम. शैटर्ड रून वगैरह जो भी है. शैटर्ड रून क्या करूं फिर इसका. नॉर्निर चेस्ट में मिल रही है. इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ये. Well, now we know what this prison's for. This is where Odin stashed those he would camouflage himself as. Makes sense. If you're going to imitate someone, you wouldn't want them walking around. Why not kill them? He must need them alive in order to assume their form. Aye. Odin likely wanted Tyr dead for a multitude of reasons, but he knew Tyr would be more useful alive. Your god of war has truly returned. What now? He'll want to stretch his legs, I imagine. Imprisonment stokes wanderlust. Not that I need to remind any of us of that. काहे का गॉड ऑफ वॉर यार. उसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं करा है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट भी करूं थोड़ी सी भी. वो लिटरली चूजा है. रोने धोने लग रहा है और स्पेस चाहिए दुनिया भर का जो कि फ्री नहीं मिलता. करना पड़ता उसके लिए मेहनत. वो ओडिन जो था वो टियर के रूप में इसीलिए वो इतना फट्टू सा लग रहा था मेरे को क्योंकि रियल वाला ही फट्टू है. वो उसी को इमिटेट कर रहा था. ऑलमोस्ट लेवल 9 हो जाएंगे अगर ऐसी अपग्रेड्स करते रहे तो. ऑलमोस्ट और लेवल 9 पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ. ये ना ओडिन ने छुपा रखा होगा ये वाला रास्ता. अब ओडिन मर गया ना इसीलिए दिख रहा है हमें ये. ये कौन योटनहाइम है. अब हम नीफिलहाइम में इधर जा सकते हैं और ये बहुत बड़ी जगह है भाई. इसमें आएगा मजा. ऐ खुशी कुछ है यहाँ. खाली खाली सा है सब कुछ. ये फ्री है मैडम. मजा आएगा अभी तो. बंदे तो घूम रहे हैं यहाँ. हेलो धप्पा. हवा में पकड़ लिया था प्रिया ने उसे. खत्म. आइए इजी. अबे दोनों ही लग गए. बिल्कुल बुली कर दिया उसे तो. फ्रेया भी कह रही मैं भी हाथ धो लूं थोड़े से. और कुछ नहीं है वहाँ. अबे चेस्ट वगैरह तो अट्रेस ने खोली हुई है. ये बर्जरकर है यहाँ पे. ओप आई जाएगा रास्ते में है. सीधा सीधा रास्ता है नीफिलहाइम का. यार ये बहुत अच्छा है वैसे. पुरानी गेम में जो वो गैस घूस है उससे तो बहुत ही बढ़िया है. ये बर्फ देखने में अच्छा भी लगता है. मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ इनके लिए. खत्म कर दिया. ओहो रहने बस. जला दी तूने आग. आ गए भाई. मजा आएगा. एक्साइटेड राजा भाई. फ्रेया आर यू रेडी. यहाँ पे मैं स्लो टाइम ले लूँ. स्टन से कितना ही स्टन होगा उसे. पर चलो लड़के पता चलेगा क्या सीन है. लास्ट बर्जरकर बाबू.
हाँ ठीक है बबल है मेरे को कैसे बाइफ्रॉस्ट में कर दिया उसने ओह माय गॉड बाइफ्रॉस्ट एनिमी है ये नहीं ओ आओ आओ बहुत कुछ कर रही है वो ला भाई मारा गंदा पेल पाल के नक्की कर दिया उसने और मैं इतना डम्ब हूं मैंने वो भी नहीं लिया बर्जर्कर स्टोन अभी पता नहीं था ये फर्स्ट ट्राई था हमारा अभी एक बार उसके मूव सेट समझ गया ना मैं स्टन तो ठीक होता है आई थिंक बाद में करना चाहिए पहले मैं अपने अटैक्स पे ध्यान दूं वो बेटर रहेगा चलते ऐसे ऐसे भी कहां भागा जा रहा है अभी तो चालू है हम कहां इधर आप पहले ड्रमी नहीं मिस हो गया नहीं ओके नहीं अबे यार पहले इधर अभी तो चालू है हम अबे अच्छा बायफ्रॉस्ट होता जा रहा हूं मैं बढ़िया यार उसका स्टन ही चला गया भाई क्या कर रही वो व्हाट द फक मैं पूरा बायफ्रॉस्ट में हूं चलते लगा भी नहीं उसे बी फ्रॉस्ट करके लगा रखी अबे तू तेरी माँ ओ मेरा वो सारा चला गया बॉय फ्रॉस रेज ऑन करते ही ये भी बढ़िया है कैसे अब नहीं हो रहा तेरे से कुछ यार स्टन करके फिर रेज करना था लाइक वो अपना रेलिक यूज करके आह पाप ओ नाइस नाइस मर जा स्टन हो गया तू कम ऑन बढ़िया बढ़िया मेरे लाल बहुत ही बढ़िया मारो 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 फंसा लिया अगर बस ये क्रेटोस तू मान जाया कर मेरी बात ये भी लगा रहो मजा आ रहा है ये भी बढ़िया नहीं भागो उसको अबे ऐसे की दैनिक क्रिया आई डोंट केयर आ नहीं मरा दुनिया भर का मरा अमर यार वो तो ना बिल्कुल ना मैं मतलब अनलकी सा हो जाता हूँ 1 HP पे आते ही सामने वाला बंदा ये चोकिंग भी नहीं है मतलब सब कुछ मेरे अगेंस्ट होता है सही में मेरी टाइमिंग मेरे डॉजेस सब कुछ मेरे अगेंस्ट रहता है इसे हरा देता है इस बार हद है भाई स्टोन होता तो पक्का हरा ही देता पर चलो मेरे को एटलीस्ट आइडिया है कैसे हराना है इसे अब आइडिया क्या वो तो पता ही था नहीं भाग जाती है वो हराम खोरनी और ये कैसे दे रही है मेरे को डैमेज अबे यार वो सिर्फ बहुत डॉजिंग करती है कैसे इसका बायफ्रॉस्ट डैमेज बहुत ज्यादा है यार शॉप भी बहुत दूर है वरना मैं बर्जर्कर स्टोन ले आता शॉप है ही नहीं बल्कि यहाँ कहीं भी कर रहा था कि ये वाला अटैक ना कर दे बस क्योंकि इसमें मेरे को भाग के वो करना पड़ता है डॉज मेरे को टाइम नहीं मिलेगा मैं 1 HP पे लड़ रहा था इससे यार 1 HP के आते ही इसने ये कर दिया इतना बढ़िया बस एक हिट चाहिए था और मेरे को फक मैन यस
बहुत ही बढ़िया जो ये पैरीज करे ना मैंने. Only the king remains. Aye, and if you thought his berserkers were tough, well, I've been thinking about what you said, brother. Maybe it's time to let this go. Wrist armor, बहुत ही घटिया. Enough a dead man's soul with this old sword isn't going to change the past. It is good to hear you say that, but I plan to face him regardless. What? After all your lecturing on vengeance and spite. It is not wise to let a malevolent spirit wander Midgard. But I needed to know you wanted this for the right reasons. Huh. Appreciate the sentiment, brother. तो किंग हमें मिडगार्ड में मिलेगा. किंग ऊ बिल्कुल एंड में जाके किंग्स ग्रेव. मजा आएगा. Oh my god, what the fuck was that? Someone's crying. भाई डरा दिया. Ah, Sutter's love. Should we try to tell her what happened? She know. डरा दिया भाई. क्या था ये? अरे इधर से रास्ता जा रहा है. आई थिंक मेरे को इधर से जाना है. उल्टा जा रहा हूँ मैं. वो रग्नारोक बावला भी तो हो गया था भाई. वो तो डेथ डिजर्व करता ही है हरामखोर. अबे कहाँ से ये रास्ता? अबे ये रास्ता है तो सही पर मैं जा नहीं पा रहा. इधर नीचे कूदने के लिए तो बस. वो भी बहुत बड़ी है क्या भाई? डरावनी थी उसकी क्राइंग तो. वो तो गूज़बम्स आ गए भाई. Freya, here. फ्लावर है तो यार रास्ता ही नहीं मिल रहा भाई. पता नहीं कहाँ से जाना है. कोई डीप नीचे से जाने वाली केव वगैरह. मे बी मेरे को सिंद्री के घर पे वापस जाना है. वो गिलहरी से बात करते हैं. मे बी वो दोबारा कोई एक नया मिस्टिक गेटवे देगा मेरे को. Stags are returned. A completist. Incredible. The nine realms are no longer in Hord. I cannot thank you enough. Shield attachment. क्या घटिया एकदम वाहियात. लेवल 9 है मेरे पास ऑलरेडी. Jotunheim चलते हैं. इसका तो फिलहाल सीन ही समझ नहीं आ रहा क्योंकि देखते हैं यहाँ पे क्या है. If I had a stomach, it'd be twisting right now. Odin is gone. There's no remaining threat. No. It's from excitement. Hardly any non-giants have gotten the great privilege of visiting the realm of the Jotnar. It's truly an honor to be among a very select few. Atreus यहाँ पे मिल सकता है हमें. वो कहाँ गया है? वो तो यहीं पे होना चाहिए. So this is Jotunheim. As beautiful as the story. अबे उसके घर पे आ गए हम तो सीधा. कोई भी तेरे घर आ सकता है भाई. अंगरबोडा यहाँ पे है तू? I don't think so. ओ यहाँ यहीं पे है तो. Company's here, Fen. ओहो फेंड्रिन भी यहीं बिठा रखा. Kratos, Vemir, Freya. Uncle Kratos. It's good to see you. तमीजनी है. Thank you for creating a path out of Asgard for us. Aye. A true pleasure to meet the lassie who saved our skins. Fenrir ne bachaya vaise to. Your giant stuff magic is truly a marvel. We were so glad we got there in time. Freya, your brother's sacrifice won't be forgotten. It won't. I will say, you've made quite the impression on our Atreus's heart. Vemir. Oh, like you weren't thinking it, brother. Ahem. You're a cherished ally, Angraboda. I hope we cross paths again. I imagine we will. There's lots to do, and I'm just getting started. Atreus ka crush aise bata diya tune, abe khud karne deta use. The last time you were here was because of Faye, right? You saw this in prophecy. Your son told me. It's a beautiful place to rest. It is what she wished. Hamara becha kahan par hai? Kuch idea tere ko? Enjoy kar raha hai wo bahar duniya ko? You painted these shrines. Some of them. Some I finished for my mother. Your work is beautiful. Your skill with a brush is unmatched, Angerboda. बस ठीक है समझ गए Mimir. He draws. He told me. Although he'd do well to learn from your use of color. We come from a long line of artisans, so he has it in him. He just needs some discipline to bring it out. Oh! I like you. Laughing Kratos. You are the last giant left in Jotunheim. No, actually. My grandmother, Gryla. She's not really one for visitors, but she's still here. She's helping me forage at the moment. After all you've done, lass, she must be so proud to have a granddaughter such as yourself. Is it use karenge kya hum? Maybe nahi. Someday. I don't know quite yet, but I think it's a start. Chal nikal rahe hain hum yahan se. Dekhte hain yahan pe kya hai.
यहाँ पे कुछ है भी? यहाँ पे हम कहाँ जा रहे हैं? अबे ये तो वीराना हो रखा है सारा सीन। कंप्लीशन 0% क्यों है? यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं रहा मेरे को। फ्रेया, फ्लावर। फ्लावर। ओहो, वुल्फ घूम रहे हर जगह। भाई तू फ्लावर पिक कर यार। यहाँ पे फेंडरर बिठाया हुआ है। मूव नहीं कर सकते इसे। तेरे हाथ क्या ही लग रहे होंगे इसे। खुजली भी नहीं कर सकता सही से। हम जा ही नहीं सकते तो यही है बस। डन, वी आर डन। अबे 100% कंप्लीशन। बस वो फ्लावर उठाना था। बहुत बढ़िया। यहाँ पे और कुछ नहीं है। आई गेस हमें पता है हम कहाँ जा रहे हैं। किंग के पास। पता नहीं कितनी रेज होने वाली है या मैं इसे कितने टाइम में हराऊंगा, बट वेरी एक्साइटेड। हम यहाँ पे पहले आए हैं क्या? इधर। हाँ, नॉर्म्स की तलाश कर रहे थे जब आए थे यहाँ पे। ओ भाई जगह देखो कितनी बड़ी है। King Hrolf's gravestone. It's reformed. Guess there's only one thing left to do. आहा, आओ जरा देखते हैं किंग कितना स्ट्रॉन्ग है भाई। मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अबे भाई ये ये तो चौखबड़ा है। अबे हिल गया। अबे नहीं, ये क्या एक्साइटमेंट ज्यादा हो गई। देखो जरा। अबे इसे तो हरा देंगे अगर ऐसी हरकतें करेगा तो। ऐसी हरकतें करेगा तो हरा देंगे ब्रदर को। मां नहीं, ये बहुत बेकार। वो बच गया भाई। चल पहले ये ले प्रिया। बिजली कड़का दिया अगर तू सही टाइम पे। यार ये येलो वॉइस। ओह माय गॉड। बस ठीक है, हो गया। ओ भाई बच गया। येलो वाला कर। यार ये थोड़ा डरावना लगता है क्योंकि। बस हो गया, आप तो हेल्थ लेन दे। एक और बार हेल्थ लेन दे। लगी। लगा तुझे बालक। बस हो गया। नहीं, बच गया। एक्चुअली स्टन हो जा मेरे लिए। फर्स्ट ट्राई में जितना होगा उतना डैमेज तो दूंगा ही मैं। और मेरे पास स्टोन भी नहीं है यार, मैं कितना डम बंदा हूँ। स्टन से कितना ही डैमेज हुआ है उसे। बस हेल्थ ज्यादा है इसकी, वरना तो कुछ खास ना कर रहे हो। अबे सारे वो ड्रामे ले रखे हैं इसने भी। भागो यार। नहीं, ये सबसे गंदा लगता है यार, ये मत करना। सबके अटैक ले रही है अभी। अबे लगा कैसे? बच गया। पीछे जा थोड़ा, हेल्थ लेन दे। यार ये तो बड़ा गंदा है। वही ना, इसमें तो समझ ही नहीं आता मेरे को क्या करना है। अरे उसको वो करना होगा, उसे गिराना होगा वहां से। मैं भी बुद्धू हूँ। चलो पहले स्टोन लेके आते हैं। इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा है तो मेरे को डॉजिंग अच्छी रखनी पड़ेगी अपनी, तब कुछ बात बनेगी। अबे एक सेकंड यार, हम नीचे कूद गए हैं तो क्या मैं जा नहीं सकता? यहाँ इधर से होगा रास्ता। अबे ले भाई, ये अपग्रेड भी नहीं कर रखे मैंने। जो जो हो सकता है वो तो करना चाहिए। किसी को अपग्रेड कर देते हैं, यही हो रहा है भाई। एटलीस्ट टीयर 3 हो जाएगा इसका भी। जितना रेडी हो सकते थे उतना रेडी हो गए, चलते हैं अब। मैं एक्चुअली ना इसे भी बदल लेता हूँ भाई। ये रेलिक उसी को ले लेते हैं हम। रेल्म शिफ्ट, यही जिताएगा हमें। यार ये स्टोन मिलते ही नहीं है मेरे को।
Oh my fucking god. Yeah, fuck, मैं भूल गया था मुझे क्या करना है यार. वो कौन सा अटैक कर रहा है मैं यही भूल गया. फक मुझे एक्स फेंक के मारनी थी इस पे. अबे यार इतने सारे अटैक्स हैं इसके मैं भूल जाता हूँ कब क्या कर रहा है ये. What the fuck, शुभम? Press the fucking buttons I time पे यार. मेरे हाथ में एक्स नहीं थी. मैं इतना फोकस कर रहा हूँ उस पे कि मैं भूल गया मेरा ब्लेड्स ऑफ केओस है मेरे पास. मैं फेंक रहा हूँ उसे बताओ. What the fuck? मिस कैसे हो गया वो? ये क्या बात हुई? भाई मुझे समझ नहीं आता जब मैंने उसे पैरी करा, परफेक्ट पैरी करा तो वो स्टैगर क्यों नहीं हुआ? उसने कंटिन्यूअस अपना दूसरा अटैक कर दिया और फिर मैं डैमेज लेने लग रहा हूँ बस. ये क्या है भाई? What the fuck? पैरी का फायदा क्या फिर? क्यों करूँ मैं पैरी जब वो दूसरा अटैक कर देगा उसी के बाद तो? What the fuck, man? कहाँ उसके बिल्कुल बिल्कुल अंदर घुस जाऊँ क्या उसके और कितना दूर से मारूँ? दिमाग खराब घटिया गेम बैस की. पनिश तो मैंने खुद को करा हुआ है. नो मर्सी लेके वो मेरे अटैक्स के बीच में मार रहा है भाई. वो मेरे लिटरली अटैक्स के बीच में मार रहा है. मैं रियूनिक अटैक्स कर रहा हूँ अपने, वो उसके बीच में लगा पड़ा है. बहुत बढ़िया. यार ये माँ की आग इसकी सही में ना भाई. ये समझ, ये बहुत ही गंदा है यार ये बंदा. बहुत ही ओहो भाई फ्रस्ट्रेशन तभी समझोगे जब वो बॉल तुम्हारे पिछवाड़े के पीछे लग जाएगी. वो नहीं हटती भाई वो बॉल. वो चारों ओर उसके ऐसे चक्कर मारना पड़ता है भाई. इसके अटैक्स वैसे ही कम है क्या? दुनिया भर के अटैक्स ले रहा है ये, ऊपर से बॉल छोड़ रहा है. बताओ हाउ द फक. ओ भाई साहब ये तो बढ़िया था, सिनेमैटिक एकदम. फक फक मैन क्या है भाई? थोड़ा सा पीछे हट जाना. Fuck, वो मेरे उससे निकल गया. Oh my God, ये गेम शिट है बहुत. वो मेरे तूफान से ऐसे ही निकल गया चलते फिरते. कैसे यार? Stupid fucking game भाई. मेरे आगे क्यों ला रहा है उसे? कहाँ के उड़ जाऊं क्या? Fuck! ये बॉल इसकी अपनी अपने ऐस में डाल ले बॉल. ये सबसे हार्ड है ये पूरी गॉड ऑफ वॉर में. आई थिंक एल्डन रिंग से कंपेयर करें तो भी बहुत हार्ड है. सबसे हार्ड विलन है ये अभी तक का पूरी गेमिंग हिस्ट्री में. मैं इसकी नो मर्जी पे आऊं और मैं What the fuck? मेरे पास रेज थी यार. क्या अटैक मारा इसने अचानक. Oh my God, भाई. Fuck. Careful, brother. You're covered in blood. नहीं. Oh my God, यार तीन चार बार हो चुका है ऐसा. मैं पागल हो गया हूँ अब. What the fuck? यार रेज करने दे ना मेरे को. भाई इतनी लेंथी फाइट है ये. इसे यहाँ तक पहुँचाने में ही पता है मेरे को आराम से 15 मिनट लग जाते हैं. भाई बहुत दिमाग खराब कर रहा है ये. नो no.
क्या कहाँ भाई पता तो चले यार व्हाट द फक नहीं भाई डैमेज क्यों नहीं हो रहा इसे व्हाट द फक उसे डैमेज क्यों नहीं हो रहा fuck! Nay! Oh my god! Say me! What the fuck? Oh my fucking god! कैसे कैसे यार कैसे ये कैसे मेरे blood में है क्या ये चीज What the fuck? Fuck! Fuck! What the fuck? अचानक से What the fuck, man? Fuck this game, भाई. भाई दिखे तो सही कहाँ माँ? कहाँ अपनी माँ बहन करा रहा है तू? कितनी बार और पागल है क्या? कितनी बार करेगा? Oh fuck! Fuck man! कितना बड़ा asshole है वहीं पे रोक दिया मुझे. What the fuck? भगन लग रहा है पहन का टका. Fuck! पता चल रहा होगा मैं थक गया हूं मैं मेंटली थक गया हूं फिजिकली तो छोड़ो भाई दिमाग खराब हो रहा है मेरा ये माँ का हमेशा वन एचपी पे कुछ ना कुछ हो जाता है हमेशा What the fuck? Oh my god, भाई तू बहुत गुस्सा दिला रहा है मेरे को Fuck you. You won't be the last. Can't do this without you, Kratos. Fuck you, man. Make your peace. बहुत बढ़िया. बहुत बढ़िया. मेरे घर पे आ जा. तेरी गुत्थी तोड़ दूँगा. हाँ नहीं तो गुस्सा दिला रहा भाई अब. बहुत गुस्सा आ रहा मुझे. अंदर से तो उबला पड़ा हूँ मैं. मेरे सामने मत आना अभी कोई. मर्डर मर्डर हो जाएगा मेरे से. Fuck! बच गया Fuck you, man. सही में परेशान कर रखा हराम खोर के बच्चे ने Fuck. This is a fine mess. ना ये पक्का पार हो गया भाई पारा मैंने इतना रेज कभी नहीं करा जिंदगी में आज तक ये सबसे टफ है अभी तक का Eventually. It's a banky!
Skillful!
Kneel before me! बोलना चाहता बस तू ये स्टन हो जा मेरे भाई, नहीं होएगा ये पक एसहोल बंदा है, बिल्कुल स्टन नहीं होगा आराम से। और ओ यस, यही मौका है भाई, यही मौका है, स्टन हो जा मेरे लाल, हो जा यस फक यस फक यस, यही चाहिए था, लेट्स गो। ओ माय गॉड, व्हाट द फक, मर जा भाई। मैं थक गया बस। भाई ये सबसे, ये पूरी अभी तक जितनी भी मैंने गेमिंग करी है सबसे टफ था मेरे लिए। ओ भाई हाल स्टैंड द लेगेसी दैट थिंग कैरीज नॉट टू मेंशन द सोल्स ऑफ इविल बर्सर्कर्स आई विल यूज इट फॉर। मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, मैं थक गया। नो बट द स्टोरी ऑफ दिस सॉर्ड इज स्टिल बीइंग रिटन, फ्यूचर जनरेशंस विल वे इट्स गुड डीड्स अगेंस्ट। एल्डन रिंग का ट्री सेंटिनल पे 5 घंटे लगे थे, इस पे 7 घंटे लगे हैं। फ्रॉम व्हेन आई फर्स्ट मेट योर ब्रदर आई हैव हैड गुड काउंसिल सिंस देन ब्रदर। आई मीन ऑब्वियसली स्टार्टिंग में एक बर्जरकर और बाकी चीज़ें भी करी थी हमने, तो 6 घंटे करीब, 6 भी नहीं, आई थिंक 5 ही लगे हैं। पर भाई बहुत रेज करवाई इसने, लाइक वो 1 HP वाला, तो क्योंकि इतनी लेंदी फाइट है ये, इतनी बड़ी हेल्थ है इसकी, चिप चिप डैमेज कर करके वो 1 HP तक ले जाओ भाई, 20 मिनट की फाइट करो, उसके बाद ये एक ऐसे ड्रामापंथी करे और मर जाओ, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है सही में। वो 1 HP ज़्यादा दुख दे रही थी मेरे को हर बार, क्योंकि बहुत लेंदी फाइट थी भाई, पागल ही तो हो गए बिल्कुल ही, और क्या चाहिए मेरे से, थक गया मैं बिल्कुल भाई। भाई क्या खतरनाक रेज करवाई इसने, बट हो ही गया। मैं एक एक वो जो पैरी करा ना मैंने परफेक्ट, वो ज़्यादा था, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था इस फाइट के लिए, वो पैरीज हो गए और वो गोल, वो जो वो ऊपर जाके बारिश से करता था उससे बचना आ गया, वो गोल गोल घूमना था उसमें बसवा, वो बहुत इंपॉर्टेंट भाई। वो सर्कल अभी भी नहीं आया मुझे, वो जो गोला छोड़ता था वो ऐसे, वो जो मेरे को फॉलो करता था वो अभी भी ना आया, वो तो तुक्के उक्के लग गए मेरे से। वो किस्मत ही अच्छी थी कि उसने एक ही बार करा, दो बार करा, पता नहीं कितनी बार करा, पर जब भी वो करता था मेरी फट जाती थी कि ला भाई ये बोल आके मेरे चिपकेगी और मेरा सारा वो ले जाएगी हेल्थ। मज़ा आ गया, पर इतना अच्छा लग रहा है भाई, पूछो मत, किंग विंग की ऐसी तैसी कर दी हमने, ये नो मर्सी में है बाय द वे, और मैं 8 लेवल हूँ, ऐसी तैसी हो गई। गॉड ऑफ वॉर में पता नहीं क्या होता, वो पर्पल हेल्थ रहती इसके पूरे टाइम, पता है गॉड ऑफ वॉर में भी मारना कुछ खास नहीं है, बस इसमें ना पेशेंस चाहिए, वो मेरे लिए नहीं थी, वो पेशेंस वाली चीज़ें नहीं होती मेरे से भाई, मैं तो अग्रेसिव बंदा हूँ ना, मैं घुस जाता हूँ फाइट में, तो पता है गॉड ऑफ वॉर वाली डिफिकल्टी में भी आराम से हो सकता है जो बंदा पेशेंस से खेले। लाइक डॉजिंग करना तो आसान है, मेरे को सारी डॉजेज आ गई आराम से, मेरे को पता है कौन से वाला, लेकिन मैं भी जब वो अटैक कर रहा होता ना, जब मैं रिस्क लेके अपना अटैक कर देता हूँ कि मेरा अटैक उसे कैंसिल कर देगा, हाँ डैमेज मिल जाएगा, मैं ग्रीडी बंदा हूँ बहुत। वरना अगर पेशेंस से खेलो ना चिप चिप डैमेज कर करके, गॉड ऑफ वॉर वाली डिफिकल्टी भी कुछ खास मुश्किल नहीं होगी, पर मेरे लिए नहीं है, नो मर्सी मेरे लिए बहुत है भाई, ये भी गलत ले रखे मैंने। एनीवेज होप यू गाइस एंजॉयड, अगर मज़ा आया इस फाइट में तो यार ये ना ये विक्ट्री भाई लाइक्स डिजर्व करती है, लाइक कर दो यार, फ्री है वो,
इतने बढ़िया YouTube ने वो पॉइंग वाली एनिमेशन डाल रखी है, दबाओ उसे, फ्री है वो। और मैं चला और वीडियोस बनाने, हम कंटिन्यू रखेंगे नीफिलहाइम और बाकी रेल्म्स को भी कंप्लीट करते हैं। सोच रहा हूँ 100% कंप्लीट कर ही दूँ, है ही क्या रेवन वेवन ढूंढनी है बस। होप यू गाइस एंजॉयड, मैं चला, गुड बाय।